अस्सलामुअलैकुम प्रोफेसर रिजवान यूनुस चिश्तियाँ ज़िला बहावल नगर से। आज का हमारा टॉपिक है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की लाठियाँ, कमान, तरकश और खोद, उनके नाम और वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुए, उनका मुख्तसर तारफ। सबसे पहले बात करते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लाठियाँ यानी छड़ियाँ इस्तेमाल किया करते थे मुख्तलिफ मकासद के लिए। आपने अपनी पूरी जिंदगी में कुल 3 छड़ियां इस्तेमाल की। नंबर 1 महजन, मीम हे हुक्के वाली, जीम नून महजन। आप अलैहिस्सलाम जब ऊंट की सवारी करते तो अक्सर इस छड़ी का इस्तेमाल करते और रास्ते में भी इसे सहारे के तौर पर लेकर चलते। नंबर 2 अर्जुन, आइन रे जीम वाव नून अर्जुन। ये पूरी लाठी की का आधा होती थी, यानी ये निस छड़ी होती थी। नंबर 3 ममसूक, मीम मीम शीन वाव काफ बड़ा, यानी नुक्तों वाला काफ। ममसूक ये शोहत दरख्त की छड़ी थी और पतली छड़ी थी। शोहत शीन वाव हे हुक्के वाला और तोए शोहत। नंबर 2 नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में जो कमान इस्तेमाल किए वो कुल 6 थे। नंबर 1 शदाद, शीन दाल अलिफ दाल। नंबर 2 जोरा, जाल वाओ रे अलिफ हमजा। नंबर 3 रोहा, रे वाओ हे हुक्के वाला अलिफ हमजा रोहा। नंबर 4 सफरा, स्वाद फे रे अलिफ हमजा। नंबर 5 बैजा, बे ये स्वाद अलिफ हमजा बैजा। नंबर 6 कतूम, काफ किताब वाला ते वाओ मीम कतूम। ये वो कमान था जो गज़वा उहद में टूट गया था जब नबी पाक अलैहिस्सलाम को उतबा बिन अबी वकास ने पत्थर मारे और आपके 2 दंदान वार शहीद हो गए और आप एक गड़े में गिर पड़े और इस वक्त ये कमान भी टूट गया। नंबर 3 हम बात करेंगे तरकश। नंबर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में कुल 2 तरकश इस्तेमाल किए। नंबर 1 मोशा, मीम वाओ शीन हे। नंबर 2 काफूर, काफ किताब वाला अलीफ फे फे वाओ रे काफूर। नंबर 4 पे बात करेंगे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो अपनी हयात अकदस में खोद इस्तेमाल किए, यानी लोहे की जंगी टोपी जो सर पे पहनी जाती है जंग के दौरान। नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास 2 खोद थे। नंबर 1 जमा, जीम मीम आइन जमा। नंबर 2 जातुस सबू, जाल अलिफ ते असबू अलिफ लाम सीन बे वाव आइन। तो ये थी नबी पाक अलैहिस्सलाम की लाठियां, आपके कमान, आपके तरकश और आपके खोदों के नाम। आने वाले क्लिप में इंशाल्लाह ताला हम जिक्र करेंगे नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास जो जीरा था, यानी लोहे का जो जंगी लिबास होता है, नबी पाक के झंडों के नाम और इसी तरह चमड़े के जो पटके होते थे उनका नाम और इससे मुतल्लिका कुछ जिगर चीज़ें इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया।